हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। प्यारे बच्चों, और आज की जो टॉपिक है वो नाभिक की संरचना से लास्ट टॉपिक रहने वाला। प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, जो कि आपके फिजिक्स का लास्ट चैप्टर रहने वाला रहेगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक जानने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। आज की टॉपिक में हम सबसे पहले समझेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, पहले वो जानेंगे प्यारे बच्चों, फिर द्रव्यमान क्षति जानेंगे, फिर नाभिकीय विखंडन जानेंगे। नाभिकीय विखंडन भी आपका दो प्रकार का होता है, फिर उसके बाद नाभिकीय संलयन जानेंगे। अर्थात इतनी टॉपिकों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और सारा चीज पूरा फुल थ्योरी ही क्लासेस है। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। तो आए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को समझने के लिए हमको आइंस्टीन बाबा के पास जाना पड़ेगा। आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में एक संबंध बताया जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि भैया जब आइंस्टीन नहीं थे तो उससे पहले दुनिया ये मानती थी कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी भी मास को, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को हम उसके ऊर्जा में तो बदल सकते हैं, परंतु ऊर्जा को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते। ये आइंस्टीन के पहले की दुनिया थी। परंतु जब आइंस्टीन ने ये बात बता दी कि जिस प्रकार आप द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हो, जिस प्रकार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो उसी प्रकार ऊर्जा को भी द्रव्यमान में बदला जा सकता है, ये बात आइंस्टीन ने बताया था। प्यारे बच्चों, अभी आप ये बात जानकर आपको जरा सा हैरानी नहीं हुई होगी, परंतु मैं अब जो बोलने वाला हूं वो जान के आपको हैरानी होगा। प्यारे बच्चों, जैसे जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर आग उत्पन्न किया जाता है, लकड़ी आपकी द्रव्यमान होती है, आग आपका ऊर्जा होता है, तो लकड़ी को जलाकर हम लोग आग उत्पन्न कर लेते हैं। अगर वही कोई चीज कहे कि हम आग जल रही है, आग को लकड़ी में बदल देंगे, उसमें ऊर्जा को फिर से लकड़ी में बदल देंगे, तो प्यारे बच्चों ये हैरानी की बात होगी कि नहीं होगी। इसी चीज को आइंस्टीन ने प्रूफ करके दिखाया था प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु के पिंड, किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान के कारण ही उसमें ऊर्जा क्या होती है, निहित होती है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा रहता है प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा ही उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो आइए अब हम चलते हैं, ये रही थोड़ी सी आपके इस टॉपिक की भूमिका, अर्थात हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। तो यहां पर बात होगी नाभिक के अंदर जो ऊर्जा होती उसकी बात हम करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि नाभिक में रहता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वही आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान कहलाता है। नाभिक का द्रव्यमान वही कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। किसका? नाभिक का। अब नाभिक में अगर द्रव्यमान हो गया तो नाभिक के द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा निहित होगा। जिस नाभिक का द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसमें ऊर्जा निहित होगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है प्यारे बच्चों की नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है प्यारे बच्चों। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, परंतु ये क्या होता है कि जब जब हम लोग इनको क्या करते हैं, इनके ऊपर जो है बाहर से या कहीं से किसी से टकरार करा देते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग होने के बाद द्रव्यमान अलग हुआ, तो द्रव्यमान अलग होने के कारण उसमें ऊर्जा आई, वही ऊर्जा ही क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। फिलहाल अभी हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की चर्चा आगे करेंगे, इस टॉपिक पे जब आएंगे प्यारे बच्चों तो वहां चर्चा होगी। यहां हम समझेंगे सबसे पहले द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अर्थात आइंस्टीन के अनुसार जो द्रव्यमान होती है वो ऊर्जा के क्या होती है, तुल्य होती है, और ऊर्जा भी द्रव्यमान के तुल्य होता है। पहले इस बात को हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने ये बताया, आइंस्टीन ने क्या बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य होता है, ऊर्जा भी द्रव्यमान के तुल्य होता है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड उन्होंने एक समीकरण दिया था प्यारे बच्चों, जिसे हम
क्या कहते हैं, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण कहते हैं। आइए हम उस समीकरण के आधार से एक व्यंजक प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि हम मान लेते हैं पहले बच्चों, यदि किसी किसी भी परमाणु का, या हम कह दें कि किसी भी परमाणु की जो नाभिक है डेल्टा एम, ठीक, यदि किसी भी परमाणु का या किसी कोई भी पदार्थ हो, तो यदि किसी परमाणु का, यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान डेल्टा एम हो, क्या हो प्यारे बच्चों, डेल्टा एम हो, तो उसमें निहित ऊर्जा, तो उसमें निहित ऊर्जा, यही तो आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान के कारण ही उसमें ऊर्जा निहित होता है। तो आखिर मान लेते हैं कि अगर उसका द्रव्यमान एम है, तो आइंस्टीन के अनुसार उसमें कितना ऊर्जा निहित होगा, तो निहित ऊर्जा यानी संचित ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम और ये सी स्क्वायर, जहां सी क्या होता है पहले बच्चों, प्रकाश की चाल होता है। जहां सी क्या होता है भाई, प्रकाश की क्या होता है, चाल होता है। सी जो होता है वो प्रकाश की क्या है, चाल है, और जिसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है पहले बच्चों, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या आप इतनी बात समझे, क्या इतनी बात आपको समझ में आई पहले बच्चों, जो ये समीकरण है यही समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है। द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध है ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, यदि मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा दूं प्यारे बच्चों, एक सवाल छोटा सा हो जाए। अगर मान लेते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 kg हो, किसी भी पिंड का द्रव्यमान 1 हो, तो 1 kg पिंड वाले, 1 kg द्रव्यमान वाले, 1 kg द्रव्यमान वाले पिंड में संचित ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई पिंड 1 kg का है, कोई पत्थर 1 kg का है, तो उस पत्थर के द्रव्यमान के कारण उसमें कितना ऊर्जा संचित होगी, वही हम लोग ज्ञात करने वाले प्यारे बच्चों। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी दिया गया है प्यारे बच्चों, 1 दिया गया है गुणे सी स्क्वायर। सी का मान होता है 3×10⁸ का स्क्वायर, तो 1 रहने दीजिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 8 दुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 9 का गुणा 1 में कर देंगे तो 9 ही आएगा, 9×10⁻¹ जूल। तो जो ऊर्जा निहित है वो कितना है, 9×10⁻¹ जूल। यानी अगर हम 1 kg द्रव्यमान का कोई भी पदार्थ लेते हैं, 1 kg द्रव्यमान का कोई भी पिंड लेते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा निहित होती है प्यारे बच्चों, 9×10⁻¹ जूल के बराबर ऊर्जा संचित होती है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समझ में आया। मिला जुला के आपको ये चीजें समझना है कि आइंस्टीन के अनुसार कोई भी जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ में जो ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान के कारण होता है प्यारे बच्चों, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदलता है, द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका सबसे पहला टॉपिक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध खत्म होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, द्रव्यमान क्षति की प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान क्षति। हम समझेंगे द्रव्यमान क्षति क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आएंगे इसके परिभाषा की तरफ। ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि ये कोई प्यारे बच्चों परमाणु है, इस परमाणु के अंदर कोई नाभिक है। ध्यान से देखिएगा, परमाणु के अंदर कितने, मैंने कहा भाई इसमें 8 प्रोटॉन है और कितने हैं, 9 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 9 न्यूट्रॉन है। अब मैंने कहा भाई कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम मान लेता हूं, कैपिटल एम मान लेता हूं प्यारे बच्चों, जो कि ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि इसका जो है द्रव्यमान क्या मान लेता हूं, कैपिटल एम। वास्तविक मतलब नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो कितना है, कैपिटल एम है। ध्यान से देखिएगा, आगे मैंने एक और ले लिया, एक परमाणु और बनाया जिसमें नाभिक की न्यूट्रॉन, यहां मान लिया भाई कि 10 प्रोटॉन है और यहां 9 न्यूट्रॉन है। ठीक, इतनी बात आप समझे, इतनी बात आप समझे। और मैंने इसका जो है वास्तविक द्रव्यमान डेल्टा एम का नाम दे दिए,
डेल्टा एम का नाम मान रहे हैं कि माना कोई परमाणु है जिसका जो वास्तविक द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, ये कोई है इसका वास्तविक द्रव्यमान डेल्टा एम है। प्यारे बच्चों इसमें 8 प्रोटॉन है, तो जब 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें 10 प्रोटॉन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे ये नाभिक का द्रव्यमान चाहिए तो नाभिक का द्रव्यमान इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं 9 8 कितने हो गए, 17, इसका द्रव्यमान 17 आ गया। और प्यारे बच्चों यहां 9 10 कितने हो गए, 19 हो गए। अगर ये यम का मान अगर मान लेते प्यारे बच्चों कि जैसे यम का मान 18 रहा होता और यहां डेल्टा यम का मान 20 रहा होता, ध्यान से देखिए, अगर यहां यम का मान 18 रहा होता तो मैं पूछता कि द्रव्यमान क्षति बताओ, तो 18 में से 17 को माइनस कर देते आप, 18 माइनस 17 बराबर 1 kg। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इन दोनों की जो द्रव्यमान क्षति है वो 18 में से 17 घट गया तो 1 kg के बराबर हुआ। अगर मैं पूछता इनकी द्रव्यमान क्षति तो भाई 20 में से 19 कर दो तो 1 आ जाएगा इसका भी द्रव्यमान क्षति। तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि द्रव्यमान क्षति की परिभाषा क्या होता है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के अंतर को ही नाभिक का द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। ये क्या था, ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान था, रियल वैल्यू थी, रियल मास था। तो भाई नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और ये कौन थे भैया, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, या जिसे हम न्यूक्लियान कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, न्यूक्लियान कहते हैं। तो ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, क्या बताया भैया, ध्यान से देखो, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियानों की संख्याओं के अंतर को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए प्यारे बच्चों। चलिए जो चीज आपने समझा है वो चीज हम यहां पर लिख लेते हैं, लिखकर हम इस टॉपिक को भी समाप्त कर देंगे। तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान क्षति की परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या कह रहा है कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग, अर्थात प्यारे बच्चों उस नाभिक में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे उनके द्रव्यमानों का योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को ही, और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। प्यारे बच्चों हमने उसका फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा एम को हमने द्रव्यमान क्षति माना है, डेल्टा एम यहां द्रव्यमान क्षति है प्यारे बच्चों, और जेड जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, जेड क्या है यहां पर, प्रोटॉनों की संख्या। अब क्यों जेड को मैंने प्रोटॉनों की संख्या लिखा, क्योंकि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर लिख दिया कि जो ये प्रोटॉन है ये जो है ये जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। अब अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ एमपी क्यों लगाया गया, क्योंकि एमपी इसलिए रखा गया प्यारे बच्चों कि यहाँ ये प्रोटॉनों की संख्या, जैसे 2 प्रोटॉन हो गया था और ये साथ में द्रव्यमान, वो बोला क्या, संख्याओं का योग नहीं बोला है, द्रव्यमानों के योग को बोला है। अर्थात प्यारे बच्चों यहां जो जेड है वो संख्या बता रहा है और एमपी बता रहा है मास ऑफ प्रोटॉन, समझे, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये बता रहा है। फिर आगे प्लस ए माइनस जेड जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को बता रहा, क्योंकि हमको पता है कि नाभिक में जितना प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दें तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या। और जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम क्या है प्यारे बच्चों, वो वास्तविक द्रव्यमान है, नाभिक का क्या है, वास्तविक द्रव्यमान है। तो इस प्रकार आपका जो ये नाभिक का द्रव्यमान क्षति था वो भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। आप चाहो तो इसका एक क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से एक बार आप फिर से देख लो नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या है। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉनों की क्या कराई जाती, बमबारी कराई जाती है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना,
तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो दो या दो से अधिक नाभिकों में विखंडित हो जाता है, दो या दो से अधिक नाभिकों में बट जाता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसे छोटा सा लेके बताना चाहूं तो वो कुछ इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों, कि ये हम लोगों ने क्या करा, कोई परमाणु ले लिया और इस परमाणु पर किसकी बमबारी करा दिया भाई, न्यूट्रॉन की बमबारी करा दिया। तो न्यूट्रॉन की बमबारी कराने के बाद इस जो परमाणु का जो नाभिक है ना प्यारे बच्चों, वो नाभिक कुछ है, वो नाभिक जो है ना प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार, यानी दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यह घटना, यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कोई परमाणु के नाभिक पर, जब किसी भी परमाणु के नाभिक पर हम क्या कराते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, मतलब न्यूट्रॉन का बौछार करा दें। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि ये कोई परमाणु है, उस परमाणु के ऊपर न्यूट्रॉन की क्या करा दूं, बमबारी करा दूं। तो भाई न्यूट्रॉन की बमबारी कराने के बाद वो जो परमाणु का नाभिक होता है ना, बड़ा सा नाभिक रहता है, वो दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है, दो से अधिक भागों में भी बट सकता है। यही पूरी प्रोसेस, यही पूरी घटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा कि नाभिकीय विखंडन के दौरान, नाभिकीय विखंडन के दौरान तीन न्यूट्रॉन और अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों जब कोई भी परमाणु का नाभिक विखंडित होता है, जब किसी भी परमाणु का नाभिक विखंडित होता है तो विखंडित होने के दौरान तीन न्यूट्रॉन और साथ में अपार मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा। आइए एक बार हम परिभाषा फिर से पढ़ रहे हैं, क्या करा कि जब किसी तत्व के परमाणुओं पर, जब किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक पर क्या कराया जाता है प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती, किसकी बमबारी कराई जाती, न्यूट्रॉन की बौछार कराया जाता है, तो परमाणु का नाभिक जो होता है प्यारे बच्चों, ये जैसे देखिए ये कोई परमाणु हो गया, यूरेनियम, हम लोगों ने यूरेनियम का कोई परमाणु लिया है, इस पे न्यूट्रॉन का क्या करा है, बमबारी करा, ओनली एक न्यूट्रॉन का हमने बमबारी करा है। प्यारे बच्चों जब कोई एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है, जब कोई भी एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो वो यूरेनियम का जो नाभिक होता है प्यारे बच्चों, यूरेनियम का जो नाभिक होता है वो दो हल्के नाभिक, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन और साथ में तीन न्यूट्रॉन के रूप में विखंडित हो जाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। एक बार आप नाभिकीय विखंडन की डिफिनेशन क्लियर कीजिए तब हम आगे ये सारी चीजें बताएंगे हमने क्या लिखा। पहले आप एक बार प्यारे बच्चों ये बताओ, नाभिकीय विखंडन आपका तैयार हो गया, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या होती है, जब जब किसी भी तत्व का परमाणु हो या किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक हो उस पे हम न्यूट्रॉनों की क्या कराएंगे, बौछार, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे। प्यारे बच्चों तो ज्यों ही न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो वो परमाणु का जो नाभिक है, बड़ा सा इतना बड़ा नाभिक है ना, वो नाभिक जो है छोटे छोटे दो या दो से अधिक भागों में बट जाएगा। ये पूरी प्रोसेस जो होता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? चलिए अब हम क्या लिए, एक एग्जाम्पल ले लिए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि जो नाभिकीय विखंडन होता है ना, इसमें 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी मुक्त होती है। ध्यान से समझिएगा, 190 लगभग 200 के करीब मान लीजिए, 190 या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी प्राप्त होती, इतनी ज्यादा ऊर्जा। ध्यान से समझिए आगे क्या कर रहा हूं मैं। हमने यहाँ एक यूरेनियम लिया है प्यारे बच्चों, एक यूरेनियम लिया है। अब इस यूरेनियम के ऊपर केवल मैंने एक न्यूट्रॉन का बौछार कराया, एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराया है, तो जब कोई एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से क्या हो जाएगा, टकराएगा। जब कोई भी एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से क्या करता है, लड़ता है भैया, यूरेनियम से क्या करता है, लड़ता है, यूरेनियम से क्या करता है, टकराता है। तो टकराने के बाद उस यूरेनियम को दो हल्के नाभिक में, एक खो बेरियम भैया एक खो क्रिप्टॉन में, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, दो हल्के नाभिक में बांट देते हैं और साथ में तीन ठो न्यूट्रॉनों दे देते हैं, साथ में क्या दे देते हैं, तीन न्यूट्रॉन दे देते हैं। क्या इतनी बात आप समझ रहे हैं, साथ में क्या दे देते हैं, तीन
न्यूट्रॉन दे देते हैं। इस प्रकार आपका जो नाभिक होता है वो दो नाभिकों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, और साथ में तीन न्यूट्रॉन और अपार मात्रा में ऊर्जा दे देते हैं। प्यारे बच्चों जानकारी की बात बता दूं, वो ऊर्जा आती कहां से है, वो ऊर्जा कहां से आती है, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका जो द्रव्यमान था, जब यूरेनियम का जो द्रव्यमान था, अगर वो 100 kg रहा होगा, अगर वो 100 kg रहा होगा, तो बेरियम, बेरियम का अगर मान लू मैं 43 kg है, बेरियम का मैं द्रव्यमान मान लू 43 kg है, और इसका मैं मान लू जो है 38 kg है, इसका मैं मान लू 38 kg है। उन्होंने बोला था दो हल्के नाभिक में विखंडित कर देता है, तो सोचो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 100 है, और ये 43 और कितने हैं 38, तो इन दोनों को जोड़ दें प्यारे बच्चों, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो 43 और 38 जोड़ दें तो 8 3 11 4 3 7 1 8, कितने की कमी आई प्यारे बच्चों, पूरा तो 100 था ना, 100 में से 81 घटा दो तो 19 kg का कमी आ गया विखंडन के दौरान। तो जो ये 19 kg भी कम हो गए, वो 19 kg ही ऊर्जा में बदल गए प्यारे बच्चों। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई नाभिक विखंडित होता है तो विखंडित होने के दौरान वो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में बट जाते हैं, और हल्के नाभिक का द्रव्यमान और पहले नाभिक के वास्तविक का द्रव्यमान दोनों में अंतर आ जाता है, वो दोनों में अंतर ही ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है प्यारे बच्चों। आप यहां से एक बार इस एग्जांपल को फिर समझिए, मैंने कहा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान 100 था, यूरेनियम का जो वास्तविक द्रव्यमान 100 मान लिए, वो जो बेरियम था वो 43 केजी हुआ और ये 38 केजी हो गए, तो दोनों को हमने जोड़ा तो 81 आया, आना कितना चाहिए था 100, परंतु 19 केजी क्या हो गए कम, तो वही 19 केजी ही ऊर्जा में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आपको ये बात जरूर समझ में आना चाहिए कि ऊर्जा कहां से मुक्त होता है, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने बोला था द्रव्यमान ही ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार जो द्रव्यमान नष्ट होता है वो ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या इतनी बात आप समझे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात आप समझे, वही सारी चीज रिएक्शन यहां पर लिख के दिखाया गया, रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। देखिए क्या हमने कहा कि यूरेनियम ले लिए, यूरेनियम से हमने एक न्यूट्रॉन का अभिक्रिया कराया, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया, तो ये एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से क्या कर गया, टकरा गया प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब ज्यों ही टकराया तो ये एक बार इनकी द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, 35 से क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, तो 92 यूरेनियम 236 हो गए प्यारे बच्चों। अब क्या होगा कि जब अब आगे क्या होगा, जैसे ही ये इससे टकराता है तो न्यूट्रॉन जो यूरेनियम होता है वो दो हल्के नाभिक में बट जाता है, वो दो हल्का नाभिक कौन है, एक बेरियम है, एक क्या है, क्रिप्टॉन है। तो प्यारे बच्चों बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है, तो 56 बेरियम 141, ठीक, और 36 क्रिप्टॉन 92, ये दो भागों में बढ़ गया, साथ में एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, तीन न्यूट्रॉन, तो तीन ठो न्यूट्रॉन और अपार मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार आपका नाभिकीय विखंडन क्या होता है, समाप्त होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। नाभिकीय विखंडन के बारे में एक चीज और मैं बता रहा हूं कि जब यहां पर एक मिनट आप और टाइम दो बस, जब कोई न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम पर टकराता है तो यूरेनियम दो हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन साथ में तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न कर देते हैं। अब ये तीन न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम को विखंडित कर सकते हैं, ध्यान से समझिए कि ये तीन न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम को विखंडित कर सकते हैं, और उस जब वो यूरेनियम विखंडित होगा तो तीन न्यूट्रॉन के बजाय 9 न्यूट्रॉन मेरे पास हो जाएंगे। ये तीन न्यूट्रॉन तीन यूरेनियम को विखंडित करेंगे, तो एक यूरेनियम से तीन न्यूट्रॉन, तो तीन तरीका 9 न्यूट्रॉन, फिर वो 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम को विखंडित करेंगे तो 9 त्रिक 27, मतलब 27 न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों इसी प्रकार यूरेनियम विखंडन की यानी नाभिकीय विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है, क्या बन जाती है प्यारे बच्चों, एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला कहते हैं, या हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और प्यारे बच्चों नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों ही अभी हम इसी के बाद चर्चा करेंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, परंतु उससे पहले आप बताइए श्रृंखला अभिक्रिया समझ में आई। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कोई परमाणु के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वो परमाणु जो है दो दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं, और साथ में
तीन ठो न्यूट्रॉन उत्पन्न करते, वो तीन न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम को भी खंडित करेंगे तो वहां से नौ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, नौ न्यूट्रॉन अगले नौ यूरेनियम को भी खंडित करेंगे तो वहां से 27 न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अब क्रिया चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, जिसे हम एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, जो कि दो प्रकार का होता है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। आइए हम दोनों को समझेंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। पहले आप उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। यदि आपको ये सब सारी टॉपिक समझ में आई होंगी तो एक बार फिर से सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, उन सभी दोस्तों के पास शेयर करो जिनके पास आपने कभी वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम आने वाला है और अभी इस चैनल पर, ये आप लोगों के प्यारे से चैनल पर काफी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड मिलेगी जो कि आपके एग्जाम में काफी मदद करने वाली है प्यारे बच्चों। एक बार जम के सभी लोग शेयर करो और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नियंत्रित और अनियंत्रित की। तो प्यारे बच्चों नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, सबसे पहला होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा होता है प्यारे बच्चों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, अब हम यहां पर जो ये डायग्राम बनाए हैं प्यारे बच्चों, ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को समझाने के लिए बनाया है। इसको समझाने के बाद तब हम आपको बताएंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन होने के दौरान जो मनुष्य लोग होते हैं, जो मानव लोग होते हैं प्यारे बच्चों, वो कुछ न कुछ ऐसा कृत्रिम उपयोग कर दे या ऐसा कुछ पदार्थों का उपयोग कर दे जिसके कारण इस यूरेनियम से विखंडित जो ये एक न्यूट्रॉन है, ये दूसरा न्यूट्रॉन है और ये तीसरा न्यूट्रॉन, ये इन तीनों न्यूट्रॉन में से आगे केवल एक ही न्यूट्रॉन यूरेनियम को विखंडित कर पाए और बाकी जो दो न्यूट्रॉन है उनको रोक लिया जाए तो यह अभिक्रिया नियत हो जाती है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों नियंत्रित हो जाती है, अपने इच्छा अनुसार बढ़ती नहीं जाती, इसलिए हम इसे कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अर्थात साफ शब्दों में हम बोले जैसे कि अगर मैं क्या करूं, ये जो तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए हैं, इन तीनों न्यूट्रॉन से अगर ये तीनों न्यूट्रॉन तीन यूरेनियम को विखंडित कर देंगे तब तो श्रृंखला नियत नहीं होगी। अगर मैं इन तीन न्यूट्रॉन में से दो न्यूट्रॉन को रोक लूं, दो न्यूट्रॉन को किसी मादक या किसी पदार्थों द्वारा क्या कर दे, रोक दें, किसी मादक या किसी पदार्थों द्वारा दो न्यूट्रॉन को क्या कर दे, रोक दे, जिसके कारण केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडित करने पाए, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। और जिसके कारण ये अभिक्रिया आपकी नियंत्रित रहती है और जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो नियत होता है, वो ऊर्जा लगातार बढ़ता नहीं है प्यारे बच्चों, और उस ऊर्जा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यानी एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को कैसे हम समझ सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न तीन न्यूट्रॉनों में से किन्हीं दो न्यूट्रॉनों को मंदक द्वारा या किसी अन्य पदार्थों द्वारा दो न्यूट्रॉनों को रोक लिया जाए जिसके कारण वो दो न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम को विखंडित न कर पाए, जिससे ये अभिक्रिया नियत रहती है, नियंत्रित रहती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात प्यारे बच्चों मिला जुला के ये कि नाभिकीय विखंडन के दौरान प्राप्त तीन न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे अगले यूरेनियम को विखंडित करना कर पाए और जो बचे हुए दो न्यूट्रॉन रहे वो विखंडन न कर पाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। एक बार देखिए ध्यान से, फिलहाल अब जैसे मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने आपको दो न्यूट्रॉन से विखंडन दिखाया, एक न्यूट्रॉन को रोक दिया गया है, एक न्यूट्रॉन को किसी मादक या किसी पदार्थ द्वारा क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। अब ये न्यूट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम को विखंडित नहीं करेगा प्यारे बच्चों। अगर मैंने कहा कि इसको भी मैं रोक दूं, इसको भी, इस न्यूट्रॉन को भी अगर मैं रोक दूं, तो ये आगे जो ये वाला प्रोसेस होगा ही नहीं प्यारे बच्चों, ये वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। यहां पर ओनली केवल दो न्यूट्रॉन रुक जाएंगे, एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को क्या करता जाएगा, विखंडित करता जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या बताया कि नाभिकीय विखंडन के दौरान प्राप्त तीन न्यूट्रॉनों में से किन्हीं दो न्यूट्रॉनों को मादक या मंदक पदार्थों से क्या कर दे, रोक दें, इन दो न्यूट्रॉनों को रोक दें, ओनली केवल एक न्यूट्रॉन ही आगे नाभिक का विखंडन कर पाए, तो इस प्रकार जो है अभिक्रिया जो होती है नियत बनी रहती है, वो लगातार बढ़ती नहीं है, इसे ही श्रृंखला, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं।
आप। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई जो न्यूट्रॉन होता है किसी यूरेनियम से क्या होता है, टकराता है। जब कोई न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम से टकराता है तो यूरेनियम से टकराने के बाद वो जो यूरेनियम का नाभिक होता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में तो विखंडित होता है प्यारे बच्चों, साथ में एक दो तीन तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न कर देता है। अब वो तीन न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम को विखंडित कर देगा। देखिए एक यूरेनियम, दो यूरेनियम, तीन यूरेनियम। अब देखिए, अब जब इन्होंने तीन यूरेनियम विखंडित किया प्यारे बच्चों, तो तीन तीन न्यूट्रॉन ये भी उत्पन्न कर दिए, तो तीन तीन छह, छह तीन नौ, और ये नौ न्यूट्रॉन अगले नौ यूरेनियम को विखंडित करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि अगर ये नौ न्यूट्रॉन क्या कर दे, नौ यूरेनियम को क्या कर दे, विखंडित कर दे, तो इनसे फिर से तीन न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ये भी नौ, ये भी जो है क्या कर सकते हैं, नौ ये जो न्यूट्रॉन है ये भी एक यूरेनियम को विखंडित करेगा तो भी तीन न्यूट्रॉन निकलेगा इनसे। फिर ये भी एक यूरेनियम को विखंडित कर देगा तो इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। सोचिए अभी ये तीन न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन पैदा कर दिए, तीन तीन छह, छह तीन नौ, फिर नौ यहां, नौ यहां, नौ नौ अठारह, नौ सत्ताईस न्यूट्रॉन पैदा कर देंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार अभिक्रिया तेज होती जाती है, अभिक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत कम समय में ही पूरा पदार्थ नष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रोसेस को, इस अभिक्रिया को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि जब किसी यूरेनियम का विखंडन होता है, जब किसी भी नाभिक का विखंडन होता है, तो विखंडन के दौरान तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं प्यारे बच्चों, वो तीन न्यूट्रॉन अगले तीन यूरेनियम को विखंडित करते हैं, वहां से नौ न्यूट्रॉन मिलता है, और वो नौ न्यूट्रॉन नौ यूरेनियम को विखंडित करते हैं तो वहां सत्ताईस न्यूट्रॉन मिलता है। इस प्रकार अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ती जाती है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्षण भर में ही, बहुत कम समय में ही पूरा जो परमाणु होता है वो नष्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया को अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, और यह अभिक्रिया परमाणु बम में होता है। प्यारे बच्चों यही है आपकी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, नाभिकीय संलयन की। तो प्यारे बच्चों अब हमारी इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है नाभिकीय संलयन क्या होता है। प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, जब दो हल्के हल्के नाभिक, ये मान लेते हैं कोई हल्का नाभिक ए है और ये कोई दूसरा हल्का नाभिक क्या है प्यारे बच्चों, बी है। जब दो हल्के नाभिक बहुत तेजी से चलते हुए, पहली बात तो एक नाभिक दूसरे नाभिक के पास तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों आपके धनावेश है प्यारे बच्चों, परंतु जब कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि जब दोनों नाभिक काफी तेज से गति करते रहते, कभी काफी तेजी से चलता रहता प्यारे बच्चों, तो काफी तेजी से चलते हुए दो नाभिक जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के पास आकर जो है एक बड़े से नाभिक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जब ये दोनों नाभिक एक दूसरे से तेजी से गति करते हुए एक दूसरे को पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को जोड़कर प्यारे बच्चों एक बड़ा सा नाभिक बना लेते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सी, और यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाता है। देखिए जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से चलते हुए, अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर एक होकर भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका द्रव्यमान 5 केजी नाम दे दूं, इसका 4 केजी और ये जो है आपका 8 केजी हो, तो सोचो जरा सा, 5-4 दोनों को जोड़ोगे 9 केजी आएगा, वो 8 केजी आएगा, आखिर अंतर कहां से आया, 1 केजी गया कहां से प्यारे बच्चों, आना तो यहां 9 केजी चाहिए था, 1 केजी की कमी हो गई और वही तो 1 केजी ऊर्जा में क्या हो गया, बदल गया। यानी जब दो नाभिक, जब दो हल्के नाभिक संलयन करते हैं, जब दो हल्के नाभिक संलयन करते हैं तो संलयन करने के बाद एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो बड़े नाभिक का द्रव्यमान, बड़े नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है, और जो वो कम होता है प्यारे बच्चों, जो द्रव्यमान में हानि होती है, जो द्रव्यमान नष्ट हो रहा है ना, वो द्रव्यमान किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं,
ध्यान से देखना, इनका द्रव्यमान अगर मैंने 8 kg रख दिए और इनका द्रव्यमान 10 kg रख दिए और ये भाई 15 kg आ रहा, कितना आ रहा 15 kg, तो 10, 8, 18, टोटल 18 हो रहे हैं और कितना आ रहा 15, कमी कितने की 3, तो ये 3 kg किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से समझिए, यानी संलयन करने वाले, यही दो तो संलयन कर रहे हैं, संलयन करने वाले नाभिकों का मूल द्रव्यमान, नाभिकों का वास्तविक द्रव्यमान और संलयन से प्राप्त नाभिक के द्रव्यमान का अंतर हो जाता है और यही अंतर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? तो यही प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, एक हल्के हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक, एक ड्यूटेरियम एक ड्यूटेरियम, दोनों हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक जब एक दूसरे से संलयन करते हैं तो एक भारी सा नाभिक का रचना करते हैं जिसे हम ड्राइटियम कहते हैं प्यारे बच्चों, और साथ में एक प्रोटियन का, एक प्रोटियम का भी निर्माण होता है और साथ में कुछ 4 MeV, लगभग काफी कम ऊर्जा भी उत्पत्ति होती है। तो इससे आप यह निष्कर्ष निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों कि नाभिकीय संलयन के दौरान ऊर्जा कम मिलती है और नाभिकीय विखंडन के दौरान ऊर्जा काफी ज्यादा मिलती है। परंतु प्यारे बच्चों, ये आपका मानना बहुत गलत है, बहुत ही असत्य बातें हैं, क्योंकि जो ये आपका हाइड्रोजन का जो हल्का नाभिक ड्यूटेरियम है, ये 92, जो आपका यूरेनियम 235 था, जो यूरेनियम था ना, यूरेनियम 235 की तुलना में ये बहुत कम है। अगर हम यूरेनियम 235 के बराबर, यूरेनियम 235 के बराबर दो हल्के नाभिक का संलयन कराएं तो यूरेनियम 235 की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा नाभिकीय संलयन में, आप समझे। यानी अगर हम जितना यूरेनियम 235 का विखंडन करा रहे थे, अगर उतना बड़ा बड़ा नाभिक लेकर संलयन करा दें तो यूरेनियम 235 से ज्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त होगी नाभिकीय संलयन में। तो ऐसा मत कभी सोचिएगा कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कम प्राप्त होता है। तो आपको नाभिकीय संलयन समझ में आया प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको नाभिकीय संलयन समझ में आया होगा, नाभिकीय विखंडन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, द्रव्यमान क्षति समझ में आया होगी, द्रव्यमान ऊर्जा समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ये पूरी जो चैप्टर है पूरा थ्योरी टाइप का है, आप यहां से अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आपको ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी मदद कर सकता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, संध पीएन संधि की बात करेंगे, बहुत बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, वहां से नंबर भी काफी उठते आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।